एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 11 बज रहे और मैं नहा हुआ कोई नहीं नहाया आज, क्योंकि नहीं नहाऊंगी। और यहाँ पे मम्मी आ गए और इलेक्ट्रिशियन आए हमारे लोगों का फ़ैन वगैरह ठीक करने के लिए। फ़ैन ख़राब हो गया था ना, तो नया फ़ैन लाया है, लेकिन फिर भी ख़राब फ़ैन घर में रखना अच्छा नहीं लगता। कोई भी ख़राब टूटा फूटा चीज़ घर में नहीं रखना चाहिए, नेगेटिविटी होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिशियन आ रहा है फ़ैन ठीक करने के लिए, आप बने रहे वीडियो में। तो इधर देखिए इलेक्ट्रिशियन आ गया है, जिस रूम पे मैं सिलाई करती हूँ ना, उस रूम का फैन खराब हो गया। और ये तो मैंने कल लाया था 3000 रुपया से, उषा कंपनी का फैन, टेबल फैन नहीं स्टैंड फैन है। तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लगता था, दो दो फैन चलाना पड़ता है कभी कभी। तो ऊपर जो सीलिंग फैन है वो खराब हो गया था, तो इलेक्ट्रिशियन ये ठीक कर रहा है, आप देख सकते हो। और वो जो अंकल थे इलेक्ट्रिशियन अंकल, वो फ़ैन वगैरह ठीक करके चले गए। और यहाँ पे मेरा चेकबुक आ गया है, मैंने मतलब 15-20 दिन हुआ है अप्लाई किया था बैंक में जाके बड़ौदा का, तो यहाँ पे फाइनली चेकबुक आ गया है अभी। तो मुझे पता नहीं है कितना मतलब चार्ज लेगा वो लोग साल में, कितना फीस मतलब चार्ज कटेगा, कुछ भी आइडिया नहीं है। अगर आपको आइडिया है तो बताना, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का है, मुझे एक्चुअली पता नहीं है। और जब मैं बैंक वालों से पूछा था ना कि चेकबुक से अगर मतलब अप्लाई करूँ या ले लूँ तो पैसा वगैरह काटता है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं एक बार, एक साल में आपको एक बार उठाने का फ्री में मौका मिलेगा। पता नहीं कितना क्या है, मुझे समझ नहीं आया, फर्स्ट टाइम है मेरा ये। तो बने रहे, आज तो मैं नहीं नहाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बुखार था, दवाई वगैरह लिया है। तो पूरा दिन क्या क्या करती हूँ क्या नहीं, आप मेरे साथ बने रहे। अभी मैं चीज़ बॉल बनाऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहे। ब्रेड क्रम्स बनाऊंगी, तो यहाँ पे ब्रेड रखा है, तो इसको छोटा छोटा टुकड़ों में काट लेते हैं। यहाँ देखिए ब्रेड को हमने छोटा छोटा टुकड़ों में काट लिया है। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुका है, जो हमने छोटा छोटा करके काट रखे थे ना, तो उसको हम दे दिए कढ़ाई में। इसको आराम से थोड़ा सा डीपली फ्राई कर लेंगे, क्योंकि मेरे घर में ऐसा मुरमुरा टाइप का कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं ब्रेड से ब्रेड क्रम्स बना रही हूँ, आप देखते जाओ। देखिए ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो चुका है, और थोड़ा बहुत बनाया है मैंने। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल करके रखा है, इसमें सारा मसाला भी एक एक करके ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम बिठा दिया है, और यहाँ पे मैंने नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर और जीरा धनिया पाउडर, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, मीट मसाला, सारा मसाला मैंने ऐड किया है। और आप सभी को तो पता ही है मुझे मीट मसाला कितना ज़्यादा पसंद है। और ये सबका भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए चीज़ रखा है मैंने, चार पीस है टोटल, मेरे को 5 पीस मिला था कल 80 रुपये में, तो यहाँ पे 4 पीस अभी भी बाकी है, तो अब देखते जाओ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने चीज़ निकाल लिया है, इधर रख देते हैं। आलू का भी भरता हो गया है, यहाँ पे चीज़ को छोटा छोटा करके तोड़ लिया है। अब थोड़ा सा आलू लेंगे, गोल गोल करेंगे, अब देखते जाओ। एक हाथ से कैमरा पकड़ रही हूँ, दूसरे हाथ से बना रही हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे। तो अभी इसके अंदर इसको डाल देंगे, अब देखते जाओ कैसे करती हूँ। चीज़ डाल दिया, अब इसको बंद कर देंगे अच्छे से। यहाँ पे गोल गोल हमने कर लिया, अब इसको बेसन में डीप कर लेंगे। बेसन गोल के मैंने रखा था, और अभी इसमें ब्रेड क्रम्स जो है इसमें थोड़ा सा लगा लेंगे, लगा के डायरेक्ट छोड़ देंगे। तो अभी डायरेक्ट ऑयल में छोड़ रहे हैं, अब थोड़ा सा स्टीम कम है यहाँ पे, आप देख सकते हो। इसको थोड़ा सा फ्राई करके फिर हम निकाल लेंगे। पता नहीं कैसा बनेगा, फर्स्ट टाइम ट्राई तो कर रही हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा गोल हो गया, कोई बात नहीं, चलता है। तो यह देखिए एक बॉल तो बनके तैयार हो चुका है, अब बाकी बॉल भी बना है, ऐसे तैयार कर लेते हैं। ये बनके तैयार हो चुका है, खा के देखते हैं। लाजवाब, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना, घर पे आप भी बना के ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आपको पता नहीं अच्छा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। तो ओके, मैं खा के ख़त्म करती हूँ। टोटल चार, आप यहाँ देखिए यहाँ पे 4 बन रहा है, बहुत ज़्यादा नरम हो गया, बीच में से फटे जा रहा है, समझ नहीं आ रहा, होने देते हैं।
तो अभी मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। कल केमिस्ट का दवा लाई थी, मतलब बेकार में ही गया खर्चा मेरा। केमिस्ट का जो दवा लाया था ना बुखार का, थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ और भी ज़्यादा कमजोरी वीकनेस आ गया बॉडी में। तो इसीलिए अभी डॉक्टर के साथ थोड़ा सा मतलब चेकअप कराने जा रहे हैं, देखते हैं मतलब अगर एंटीबायोटिक कुछ अच्छा वगैरह दिया तो ठीक हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है केमिस्ट का दवा खाकर, बिल्कुल भी बुखार कम नहीं हुआ। तो अभी मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ, आप मेरा हालत देख के समझ सकते हो कि मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मम्मी के साथ अभी जाएंगे, जाने के बाद फिर देखते क्या क्या दवा देते क्या नहीं, है ना। देखिए ईरिश का मैं बैठ के जा रहे हैं, रास्ते पे ही है। तो 5:30 बज गया था शाम को, स्टूडेंट वगैरह को थोड़ा बहुत पढ़ा के छुट्टी दे दिया था मैंने, और अभी जा रहे रास्ते में ही है। और उसके बाद हम जो जिस फार्मेसी में डॉक्टर बैठते हैं ना, वो उस फार्मेसी में गए। 350 रुपया फीस है इसका, विजिटिंग फीस। तो इतना ज़्यादा भीड़ था अंदर, इतना ज़्यादा, फिर हम नहीं दिखा पाए। फिर रिटर्न आके दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, क्योंकि यहाँ पे 38 नंबर था हमारा टोकन, तो नहीं लिया टोकन। नहीं लेके फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, वो भी MD था, मेडिसिन डॉक्टर ही थे। तो उनके चैम्बर में गए रिश्का में बैठ के। और उस डॉक्टर के बाजू वाले घर में ना हम लोग एक जान पहचान का आंटी रहता है, उनके घर में गए थे। तो उनके घर में इतना सारा कैट है, बिल्ली है ना, इतना सारा है क्या ही बताए। मतलब जिस चैम्बर में गए थे ना हम डॉक्टर के घर, वो डॉक्टर के घर के बाजू में एक जान पहचान का आंटी लोग था हमारा। तो उनके घर में ऐसे बैठने गए थे, क्योंकि मेरा टोकन नंबर 4 था, तो काफ़ी ज़्यादा लेट डॉक्टर आ रहे थे, इसलिए वेटिंग करना पड़ रहा था। तो वो आंटी के घर में गए, और यहाँ देखिए कितना सारा कैट है, बहुत सारे बिल्ली पालते हैं वो लोग, मतलब 10-12 तो पालते हैं। तो देखिए फिर हम डॉक्टर के चैम्बर में बैठे, बहुत सारे लोग बैठे वेटिंग कर रहे हैं डॉक्टर के लिए। तो फाइनली 7:30-8 बजे डॉक्टर आए हैं, आप देख सकते हो डॉक्टर का चैम्बर है। मैंने वेट मापा है तो मेरा 48 kg वेट है, और अंदर डॉक्टर बैठे हुए हैं चैम्बर में। तो डॉक्टर वक्टर दिखा के मैं घर आ गई, थोड़ा सा फ्रूट्स लिया है और ये सारा दवा दिया, आप देख सकते हो काफ़ी सारा दवा दिया। तो थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं अभी। तो अभी डिनर करके उठी हूँ, तो अभी थोड़ा सा एंटीबायोटिक ले लेते हैं। बाप रे इतना बड़ा दवा है, देख लो कितना बड़ा दवा है, कैसे निगलूंगी इसको। यहाँ देखिए थोड़ा बहुत फ्रूट्स लेके आए हैं, और ये सब तो आपको पता ही होगा, इसको कोई लुकलुकी बोलते हैं, जो ऐसे दबा दबा के इसको नरम किया जाता है ना, फिर खाया जाता है। तो मैं दो खा लेती हूँ अभी। तो देखिए इसको मैं दबा दबा के नरम करके खा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा थोड़ा खट्टा भी है, थोड़ा थोड़ा मीठा भी है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यार ये वाला फ्रूट्स। मुझे काफ़ी दिन बाद मिला, 2-3 साल बाद में खा रही हुई है, पता है। अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं, और मैं 11 बजे के आसपास उठी हूँ सुबह, क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, आप सभी को पता है। मैं डॉक्टर वगैरह दिखा के आई हूँ, तो दवा वाले के रात को सो गई थी, और बाहर मौसम कुछ ऐसा है, शायद कल रात बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैं सो गई थी। इसीलिए तो थोड़ा बहुत बुखार कम लग रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा है, मतलब 100% कम नहीं हुआ है। तो अभी थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, करने के बाद दवा लेंगे, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। आज शायद मैं सिलाई वगैरह नहीं कर पाऊँगी, पूरा दिन मुझे रेस्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी इतना ज़्यादा वीक हो गया ना एंटीबायोटिक खाने के बाद। तो देखते हैं कितना तक ठीक होता है ना। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय।